इसका परस्पेक्टिव देने के लिए, लाइक आपने सुना होगा मोदी जी चाहते हैं 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाए इंडिया का, इसको पकड़ के अपना इसमें टाइम देते हैं 1.5-2 साल इसको सीखने में, समझने में, रिसर्च करने में, तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं होगा? अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं वहां पे भी ऐड देख रहे हैं, तो इन ऐड को चलाने के लिए भी कंपनीज का खर्च होता है। तो अगर बात करें ट्रेडिशनल एड्स का, तो अभी ये पूरा इंडस्ट्री जो है वो लगभग 6200 करोड़ रुपए का है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, केवल 15-25% ही इंडियंस हैं जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं अलार्म एकेडमी, और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है उनके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग में जस्ट स्टार्ट किया है वीडियोज वगैरह देखना और चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाना। तो उनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि डिजिटल मार्केटिंग सही में इतना बड़ा इंडस्ट्री है या नहीं, अगर डिजिटल मार्केटिंग को मैं फुल टाइम लेके चलता हूँ तो क्या इसमें मेरा करियर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा है और कैसे इसमें ग्रोथ हो रहा है। वीडियो में एक पूरा डिटेल डिस्कशन होने वाला है। हम लोग पहले कंपेयर करेंगे डिजिटल एडवर्टाइजिंग को ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से, फिर बात करेंगे ई कॉमर्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है ई कॉमर्स बिजनेस का, इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, और इसके अलावा बात करेंगे फ्यूचर प्रोजेक्शन का कि फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो भी करें उसको फाइंड में रखें, फुल अटेंशन के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करने वाले हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग को, डिजिटल एड स्पेंड को ट्रेडिशनल एड स्पेंड से। ट्रेडिशनल एड स्पेंड यानी आप जो होर्डिंग देख रहे हैं, बैनर देख रहे हैं, पॉम्पलेट बांटते हैं, तो उसमें कुछ खर्चे आते हैं। डिजिटल एड्स यानी आप फेसबुक में ऐड देख रहे हैं, यूट्यूब में ऐड देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं वहां पे भी ऐड देख रहे हैं, तो इन ऐड को चलाने के लिए भी कंपनीज का खर्च होता है। तो अगर बात करें ट्रेडिशनल एड्स का, तो अभी ये पूरा इंडस्ट्री जो है वो लगभग 6200 करोड़ रुपए का है, 6200 करोड़ एक साल में खर्च होता है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में। मतलब जितने जो बैनर लग रहे हैं, जितने जो आप पेपर में ऐड देख रहे हैं, टीवी में ऐड देख रहे हैं, ये सारे ऐड को मिला दे तो टोटल एक साल में लगभग 6200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अगेन डिजिटल एड्स की बात करें तो डिजिटल एड्स अभी करेंट में लगभग 4300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं एक साल में एड्स में। अब सोचिए फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड जो आप देख रहे हैं वो सारा अगर मिला दे 4300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं एड में। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रेडिशनल एड्स पे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, राइट? डिजिटल एड्स पे उतने पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हो रहा है, राइट, वो 25% से हो रहा है। दैट मींस लास्ट ईयर 4300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इस साल आपको 25% और ज्यादा पैसे खर्च होंगे, राइट? उसके नेक्स्ट ईयर और 25% ज्यादा खर्च होंगे। तो अगेन ये आप देखेंगे ट्रेडिशनल एड्स का, तो ये भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये श्रिंक कर रहा है या लोग अब इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये 10% से ही बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट फ्यूचर में ऐसा आ जाएगा जहां पे ये डिजिटल एड्स है ये ट्रेडिशनल एड्स को आगे, मतलब से आगे निकल जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपको पीछे छूट जाएगा, राइट? तो अगेन डिजिटल एडवर्टीजमेंट का देखिएगा तो फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। अगेन ये जो पैसे आप देख रहे हैं 4300 करोड़ रुपए, इतने पैसे खर्च कैसे हो रहे हैं? तो कोई डिजिटल मार्केटर होगा जो एड चला रहा होगा, कोई फेसबुक एड एक्सपर्ट होगा जो एड चला रहा होगा, राइट? कितने सारे लोग होंगे इंडस्ट्री में जो एड चला रहे होंगे, और मार्केट को कितने ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी जब नेक्स्ट ईयर 25% से और ये ग्रो कर जाएगा, राइट? तो मार्केट में बहुत बड़ा डिमांड होने वाला है, इससे आपको थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं, अब ई कॉमर्स की बात करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कुछ भी सामान खरीदना है, ऑनलाइन कुछ भी सामान खरीदना है, तो आप ई कॉमर्स पोर्टल से लेते हैं, फ्लिपकार्ट से लेते हैं, अमेजन से लेते हैं, मिंत्रा से लेते हैं, तो इन सबको कंबाइंडली ई कॉमर्स बोल रहे हैं। अब ई कॉमर्स का बात करें तो ई कॉमर्स का कॉम्पिटिशन किन से है? ई कॉमर्स का कॉम्पिटिशन है जो ट्रेडिशनल दुकान है, आपको मॉल है, शॉपिंग मॉल है, राइट? इनसे इनका कॉम्पिटिशन है। तो अगर बात करें अभी भी इंडिया में केवल 15-25% इंडियंस ही हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं,
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, केवल 15-25% ही इंडियंस हैं जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द आदमी अभी भी है वो ट्रेडिशनल दुकान से ही सामान खरीदना चाहता है, राइट। लेकिन अगर आप पूरे इंडिया का 15-25% निकालेंगे ना, तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री, नंबर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। 125 करोड़ लोग हैं हम लोग। अब 125 करोड़ का 10% आप निकालिए, 125 करोड़ का 25% निकालिए, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगेन दूसरी है बात है कि ग्रोइंग मार्केट है, एवरी ईयर ये ग्रो कर रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, इंटरनेट पे आपने भी ये चीज देखा होगा, अपने आस पड़ोस में आपकी मदर जो है वो इंटरनेट से जुड़ गई होंगी, आपके ग्रैंडफादर अगर हैं तो उनके हाथ में भी एंड्रॉइड फोन आ गया होगा, राइट। अब वो भी इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, वो इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां पे उनको भी एड्स दिख रहा है। कल के डेट में वो भी आपके पास आएंगे कि बाबू ये वाला एड देखे हैं, ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, इसका ऑर्डर कर दो, चाहे हमको सिखा दो ये ऑर्डर कैसे होता है, राइट। तो आप समझ रहे हो इंडस्ट्री कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, राइट। तो ये तो हो गया ई कॉमर्स का इम्पैक्ट। इसके बाद बात करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जॉब अपॉर्चुनिटी का। लाइक अगर आप इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ के अपना इसमें टाइम देते हैं, 1.5-2 साल इसको सीखने में, समझने में, रिसर्च करने में, तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं होगा अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो। तो देखिए जॉब के लिहाज से देखें तो अभी भी आपको 2 लाख से ज्यादा जॉब ओपनिंग ओपन अवेलेबल है, राइट। मैं वीडियो में क्या करूंगा, गूगल के कुछ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप मतलब लाइव गूगल के स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं कितने सारे जॉब ऑप्शन डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अवेलेबल। जॉब का तो कोई कमी नहीं है, जॉब का कमी क्यों नहीं है, अब देखिए इसे पहले वाले स्लाइड में मैंने बोला 4,300 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं 1 साल में एड में। अगर एक आदमी 10 लाख रुपए का एवरेज मान के चले या 1 करोड़ रुपए का एड स्पेंड संभाल रहा है, 4,300 करोड़ खर्च करने के लिए कितने लोग चाहिए, एक बार मैथ करिएगा, राइट। अगेन नेक्स्ट ईयर 25% से और बढ़ जाएगा तो उतने और ज्यादा लोग चाहिए होंगे, हर 4 साल में लाइक डबल आदमी चाहिए होगा पूरा इंडस्ट्री को सही से संभाल के चलाने के लिए, राइट। अब ये एड वही चला पाएगा जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, राइट। तो जॉब का तो कोई कमी नहीं है। जॉब के अलावा अगर बात करें फ्रीलांस ऑप्शन अवेलेबल है। फ्रीलांस ऑप्शन कैसे, आप छोटे जो बिजनेस पर्सन है वो बड़ी कंपनी नहीं हायर कर सकते, वो फ्रीलांसर्स हायर करेंगे आपको। इसके अलावा जो है छोटे रेस्टोरेंट हैं, छोटा मॉल है, छोटा आपको राशन शॉप है या छोटा होटल है, वो सारे लोग चाहते हैं उनका एडवर्टीजमेंट हो, लेकिन एक प्रॉपर कंपनी नहीं उठा सकते हैं, तो वहाँ पे फ्रीलांसर्स काम आते हैं उनके, क्योंकि फ्रीलांसर्स वो कम पैसे में वो काम कर देते हैं। तो फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम आप घर से काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग का, डिजाइनिंग का, ईमेल मार्केटिंग का, कॉपी राइटिंग का, देयर टन ऑफ थिंग, वीडियो एडिटिंग मतलब इतना तेजी से ग्रो कर रहा है ये फील्ड, मतलब आई कैन नॉट टेल यू कि कितना स्पीड से ये ग्रो कर रहा है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा ऑप्शन है, आप यूट्यूबर बन के सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप ब्लॉगर बन के सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, राइट। आप इस तरीके से आप किसी और को सर्विस दे के फ्रीलांसिंग करके सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी का तो कोई भी कमी नहीं है पूरे इंडस्ट्री में अगर आप अच्छे से देखते हैं तो। हाँ, जॉब की कमी तभी होगी जब आपके पास आइदर प्रॉपर स्किल्स नहीं है पहला चीज, या फिर आपको पता नहीं है कि जॉब पाना कैसे है। ये दो अगर चीज आपको पता है तो आपकी जॉब गारंटीड लग जाएगी डिजिटल फील्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है। फ्यूचर प्रोजेक्शन ये है कि 2030 तक 1.5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी। कितना बड़ा होता है 1.5 ट्रिलियन, मैं आपको इसका प्रिस्पेक्टिव देने के लिए, लाइक आपने सुना होगा मोदी जी चाहते हैं 5 ट्रिलियन का इकॉनमी बन जाए इंडिया का। 5 ट्रिलियन का जो इकॉनमी होगा इंडिया का, उसमें 1/5 से ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा आपको डिजिटल सेक्टर, राइट। तो बहुत बड़ा सेक्टर ये 2030 तक हो जाने वाला है। तो अगर आपको आती है डिजिटल मार्केटिंग देन इट्स गुड, अगर नहीं आती है तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपका फ्यूचर का एक मान के चलिए कि LIC हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका फ्यूचर 100% सिक्योर हो सकता है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, डिजिटल फील्ड को आप समझते हैं, इंटरनेट को समझते हैं, इंटरनेट काम कैसे करता है इसको अच्छे से समझ। होपफुली फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी भी मन में कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके और वीडियोज भी देख सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।